371 लगा हुआ है और यहाँ पे भी कोई भी बाहर का आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। रौनक रहेगा तो फिर हाँ वही तो 8 बजे सकता है ये। सो मच लास्ट वाले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। और गाइस ज्यादा गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छी होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम बैक मिसेस काजल चौधरी ब्लॉग। और आज के वेदर की बात करें तो वेदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं भी आपको दिखा देती हूँ वेदर। खिड़की खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा खुल जा, नहीं खुल रही। आप यहाँ से देख लो, शीशा गंदा हो रहा है वैसे तो, पर ये देखो बिल्कुल भी छाव मतलब बिल्कुल भी धूप नहीं है, ठंड है आज। और आज मुझे जाना है कहाँ, मुझे आज जाना है थ्रेडिंग कराने, तो मैं भी निकलती हूँ वही मेरी पार्टनर रौनक के साथ में। नाली धोली सब काम हो चुका है। और थैंक यू सो मच लास्ट वाले ब्लॉग को इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट देने के लिए। और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट किया करें, और अभी लाइक कर दे अभी के अभी अभी अभी, ठीक है? मैं चलती हूँ, मिलते हैं अपन मार्केट में। तो चलो अपन चलते हैं। और मैं मेरे मम्मी पापा की बहुत ही संस्कारी वाली बहू और बेटी दोनों हूँ, तो मैं मेरा दुपट्टा जरूर लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे कुछ भी हो, हूँ तो मैं एक बहू, और मैं अपना बहू वाला फर्ज कैसे भूल सकती हूँ, मैं नहीं भूल सकती। तो चलो दुपट्टा हमने ले लिया है, ये रहा दुपट्टा। अब चलो अपन चलते हैं मार्केट। फिर पर्स का रखा है, मैं मेरा वॉलेट ले लेती हूँ एक बार, फिर अपन चलते हैं, ठीक है? ठीक है गाइस, चलो। सांस फूल जाती है। आगे में रौनक के घर, और देखो यहाँ से मैं आप लोगों को ना व्यू दिखाती हूँ, कब्बू कितना अच्छा शानदार है। रौनक ये कभी ट्रैप पे गेट नहीं खोलती। रौनक मॉर्निंग, चलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुंदर लड़की। स्टैंड आ गया तू, कौन सा कितनी सुंदर लग रही है तू। मैंने तो फिर भी मेकअप कर रखा था, देखो नेचुरल की लो। बोल बोल रौनक, करी पूजा। और ना एक ब्लाउज है उसके ना इतना आता है उसको, मतलब ऐसे मतलब इतना आता है, छोटा करना है। ओके कर लेना, मैं टेलर भी बन चुकी हूँ। मैं फिटिंग भी करती हूँ कपड़ों को। आप लोगों को कपड़ों की फिटिंग करानी है तो मेरे पास आ जाना प्लीज, मैं अच्छी कपड़े फिटिंग करती हूँ। रौनक के घर पराठे, पराठे नहीं खाना, कुछ भी बोल देती हूँ याद ही नहीं रहता। धन्यवाद। दो रोटी नहीं, मैं रौनक में सच में एक खाऊंगी, एक लेके जा। एक तो खाएगी फिर, ठीक है? चलो गाइस मैं खाना खा लेती हूँ, मेरे को मैं तो रायता पीना था, क्योंकि मेरा रायता पीने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था। चलो अब, और ये तेरे नाम की जुल्फें निकलती रहती है और इरिटेट करती रहती है। चलो मैं खाना खा लेती हूँ फिर बताती हूँ। इसका टेस्ट बता कैसा है। खा पहले, कड़वा नहीं लगा कड़वा लगा। इसमें जो तारा मैंने वो नमक मिला के ऊपर खिलाया था तेरे को, तेरे को बताती हूँ। चाय में मिर्ची डाल। खाना बहुत अच्छा था, रायता बहुत ज्यादा अच्छा था। थैंक यू रौनक। चलो अपन चलते हैं बाजार, मेरे को एक दो सामान भी लेने हैं, वो सामान भी लेकर आती हूँ मैं। मुझे गोभी का बीज चाहिए, कहाँ मिलेगा वो? पता नहीं, क्यों नहीं पता तुमको, तुम यहाँ के लोकल हो। लोकल यहाँ की लोकल है, और ये मेरे को बता नहीं रही है कि मुझे गोभी का बीज कहाँ मिलेगा। हम आ चुके हैं मार्केट में, अब मैं सर पर दुपट्टा रख लूँ, एक संस्कारी बहू बन जाती हूँ फटाक से। अब हम दोनों आए चाट खाने। चाट खानी है, चाट खाएगी तुम तो। अब ये चाट खाएगी, इन भैया की चाट तो पहली बार ही ट्राई करेंगे ना अपन ने। खा लो खा लो, फिर बोलती हो वेट कम नहीं हो रहा है। ये बाहर की चीजें खाओगे तो पतली हो जाओगी क्या तुम, है अंकल? नहीं वो तो ठीक है, लेकिन पानी पूरी खाना चाहिए। पानी पूरी खाना चाहिए, सुबह जल्दी उठ के हाँ वॉक करना चाहिए। ये नहीं करता बिल्कुल, वॉक सोते रहेगा तो फिर हाँ वही तो, 8 बजे सकता है ये। रात को हाँ पानी पूरी के बाद में एक मीठा पकौड़ा, ठीक है अंकल? थैंक यू। इतना ऊपर पेन नहीं होता जितना नीचे होता है, इतनी बार बना ली फिर भी बता दर्द हो रहा है बहुत होता है। और
यहाँ का मुझे ये अच्छा लगता है कि जो अपने छोटे छोटे बाल होते हैं ना उनको भी ऐसे निकाल देते हैं लोग, मतलब ऐसे हमारे यूपी में राजस्थान में नहीं निकालते ऐसे हेयर। खाली थ्रेडिंग और कितनी प्यारी लग रही है देखो एकदम, और एकदम प्रॉपर शेप में आती है मेरी ये देख। अब जा रहे हैं हम घर, बहुत लेट हो गए भाई, 11 बजे के घर से निकले और 1 बज गया। गुल्लक लेकर आई थी फाइनली, वैसे तो आज मैं मार्केट गुल्लक लेने ही गई थी क्योंकि मेरे हाथ में जितने पैसे होते हैं ना वो खर्च हो जाते हैं, तो आज मैं और मेरे पति देव जी हम इसमें डालेंगे 100 रुपए दोनों। ये नया तरीका है पति से पैसे लेने का रोज का। डाल दिए ये, अब ये इसको क्या बोलते हैं जान, एक गुल्लक नहीं इस आदमी को नहीं, इसको बुद्धा बोलते हैं। बुद्धा बोलते हैं, बताइए। ये वही है जो पैसे देता है ज्यादा ज्यादा, भी मेरे को ज्यादा ज्यादा पैसे दिया करेगा। थैंक यू सो मच। खाने में है बीन्स की सब्जी दाल, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है सब्जियां यहाँ पर यही है गिनी चुनी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, वो लाल वाली गाजर और ये बीन्स, सिर्फ यहाँ पे गिनी चुनी सब्जियां, तो हम लोगों को यही सब्जियां खानी पड़ती है। खाना खा के हम फिर बात करते हैं आपसे। ये इधर खाना खा रहे हैं और इधर मम्मी को फोन किया है अभी। हेलो गाइज, बाय गाइज। और दोस्तों मुझे पता है आप में से बहुत से लोग ये भी सोचते होंगे कि हमारा घर ऐसा क्यों है, कि बीच वाली ब्लॉग्स में आपको देखा है गांव में हमारा घर इतना अच्छा है और यहाँ पे हमारा घर ऐसा है, थोड़ा सा टंकियाँ वंकियाँ यहाँ पे ऐसे, मतलब कुछ व्यू भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब ऐसे काफ़ी लोगों को ऐसा होगा ना कि किचन भी इतनी अच्छी, जैसे आप लोगों को हमारा किचन दिखता भी होगा कि ऐसा है इनका घर। तो देखो आज मैं आपको बता दूँ कि हमारा घर यहाँ पर ऐसा क्यों है, मैं आपको बता देती हूँ इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न इतना कुछ बड़ा नहीं है, इसका रीज़न ये है कि आप लोगों को पता है कि हम रहने वाले तो वहाँ के हैं राजस्थान के, ठीक है, तो हमारे पापा का बिजनेस है इधर, ओके, तो हम जहाँ पर रहते हैं नागालैंड है, नागालैंड मतलब हम लोग रहते हैं नागालैंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 371 लगा हुआ है, यहाँ पर हम लोग मतलब नागालैंड के अलावा जो बाहर के हैं, जैसे कश्मीर में लगा हुआ था वैसे यहाँ पर भी 371 लगा हुआ है और यहाँ पे भी कोई भी बाहर का आदमी प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग घर नहीं खरीद सकते, तो यहाँ पर सिर्फ घर रेंट पर ही मिलते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर हमारे यहाँ पर पानी की आती है, तो आप लोगों का बहुत लोगों का सवाल ये भी होगा कि पानी ऐसा क्यों है, कि मतलब टंकियाँ नीचे रखी रहती हैं आप लोग यहाँ पर, टंकियाँ फिट ऊपर क्यों नहीं है, तो बहुत लोग सोचते होंगे ऐसे, कुछ लोग बोल नहीं पाते कि सबकी अपनी अपनी जैसी सोच होती है, मतलब मैं मेरी तरफ से आपको बता रही हूँ कि देखो अगर किसी के दिमाग में, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि पानी हम इसलिए टंकियों में नीचे भरा जाता है, आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। ये जो आप देख रहे हो ऐसे जो पानी हम भरते हैं, ये पाइपें लगी हुई हैं, देखो इधर ये पाइप है और ये देखो मैं आपको और दिखाती हूँ, ये जो पाइप आ रही है ये वाली, ये ऊपर से देखो, ये पूरी जो दिख रही है ना ऐसे, ये वाली पाइप, ये जो पाइप आ रही है ना, तो इस पाइप का क्या है, बारिश का पानी जैसे आता है ना, वो बारिश का पानी भी हम लोग इकट्ठा करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम पहाड़ी इलाकों पे रहते हैं तो यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि ज़मीन में पानी नहीं है, क्योंकि हम भी एक पहाड़ी पर ही हैं, तो पहाड़ी पे पानी कहाँ से निकलेगा, पहाड़ी पे पानी निकलता नहीं है, ज़मीन में पानी निकलता है, तो हम एक पहाड़ी पे बसे हुए हैं हम लोग, मतलब यहाँ पे जितने भी सब लोग हैं यहाँ पे एक पहाड़ी पर है, तो पानी नहीं है, तो पानी की भी दिक्कत होती है, तो हम कभी कभी हम लोग पानी खरीदते भी हैं। हाँ ऐसे बोलते हैं राजस्थान में पानी नहीं है, बट राजस्थान से ज़्यादा पानी की कमी यहाँ पर मुझे लगती है, ऐसा है, ऐसा लगता नहीं, ऐसा है, यहाँ पर पानी सच में बहुत कम है। तो यही था जो मैंने आपको बता दिया अभी, यही था कि एक तो हम यहाँ पे रेंट पे रहते हैं, कि रेंट पे जैसा जिसको जैसा घर मिल जाए उस हिसाब से बहुत अच्छा है, और बाकी सबसे देखा जाए तो मुझे अपना घर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखो धूप भी आती है और हमारा खुद का इतना बड़ा आंगन भी है, ये देखो जितना आप लोगों को लग रहा है, देखो कितना अच्छा आंगन है हमारा, है ना, और मेरे को लगता है कि हमारा घर काफ़ी बड़ा है। इधर से भी देखो, आपको कभी होम टूर दूंगी मैं अपना, तब मैं आपको दिखाऊंगी हमारा घर सच में बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा लगता है, और हमारे यहाँ पे मोटर भी है, तो हम कभी कभी पानी नीचे से भर भी लेते हैं, तो हमारे चांस ऐसे होते हैं, हमको बहुत मतलब फरवरी मार्च अप्रैल ये 3 महीने यहाँ पर ऐसे होते हैं कि यहाँ पर पानी खरीदना पड़ता है, तो हम पानी बहुत कम चांस में खरीदते हैं क्योंकि हम मोटर चला लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छा लकी घर है, ये अच्छा भी घर है। अब देखो जब हटेगा 371 तब हटेगा तब हम भी आप लोगों के प्यार से खरीद पाए तो जमीन खरीद पाए, मतलब हम भी फिर अपना खुद का घर बनाए इधर,
तो इसीलिए हम यहाँ रेंट पर रहते हैं और इसीलिए हमारा किचन ऐसा है, हमारे यहाँ टंकियाँ ऐसी रहती है क्योंकि पानी की कमी, तो टंकियाँ भी ऐसी रहती हैं और किचन का ऐसा है तो क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यूटी में हम यहाँ रहते नहीं हैं। तो मम्मी भी 2 साल गाँव में ही थी, अभी शादी के बाद ही आई हैं, अभी 2 महीने ही रुकी थी मम्मी गाँव में ही हैं, मैं भी आती जाती रहती हूँ तो कोई फिक्स नहीं रहता है, तो इसीलिए तो अब मैंने आपको रीज़न बता दिया, तो आपके मन में कोई भी हो तो ऐसे कुछ सोचना मत। तो आपको मैं पहली रीज़न बता चुकी हूँ कि ये हमारा घर रेंट का है, ये हमारा घर खुद का नहीं है। हमारा जो घर है वो हमारा गांव में बहुत प्रिटी ड्रीम हाउस, जो आपके हमने आपने मेरे पुराने वीडियोज़ में देखा होगा जब मैं गाँव रहती हूँ। सो ठीक है, ऐसे ही उठाओ इसको। कोको ये पी रही है सूप और मेरे को बोल रही है कि मैं पतला बना के लाई हूँ। दिखा एक बार दिखा। और गाइज ये रही मेरी वो गुल्लक, देखो कितनी क्यूट सी गुल्लक है। अभी हम दोनों सूप पी के फिर जाएंगे, हम दोनों वॉक करने, सूप पी लेते हैं। और सूप भी जान कम था थोड़ा सा। नहीं मैं बोल तो रही तो हम लोगों ने पी लिया था। और के अकॉर्डिंग पतला बना है आज। अभी रौनक चली गई है, मैं अकेली हूँ, शाम के बज रहे हैं 6 और आपने देखा है बाहर रात हो चुकी है, यहाँ पे 5:30-6 बजे रात होने, रात हो ही जाती, होने क्या लग जाती है। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करें, कमेंट करें प्लीज़। थैंक यू सो मच।